मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट राज, और आप देख रहे हैं राज शो यूट्यूब। इधर देख सकते हैं इंडिया और नेपाल के बॉर्डर पर स्थित ये विश्व दर्शन मंदिर, और यहां पर आप देख सकते हैं कि ये प्रतिमा बनी हुई है, ये भगवान अर्जुन का और जो भी भगवान है, इतना समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन चलिए चलते हैं अंदर, देखते हैं क्या है, किस तरह से है, क्या है इस मंदिर का खासियत। तो चलिए चलते हैं अंदर। तो दोस्तों, जैसा कि देख सकते हैं, हम लोग अंदर आ चुके हैं और हम लोग अब चलेंगे। एक बाबा जी रहते हैं यहाँ पर, और उनसे मिलेंगे, उनसे बात करेंगे, और फिर आपको यहाँ का नज़ारा दिखाएंगे, किस तरह से है, किस तरह के देवी देवता रहते हैं और कौन देवी देवता रहते हैं। तो चलिए चलते हैं अंदर। अभी ये सब जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि हम लोग मंदिर के अंदर फिलहाल प्रवेश कर चुके हैं, और आप इधर देखिए, इधर आप तो देख सकते हैं यही मंदिर है, और यहाँ पर आने के लिए आपको 10 रुपये का टिकट लेना होगा, और फिर उसके बाद आप यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर बनाया गया है, और इधर देखिए, आप इधर देखते रहिए, और बहुत कुछ दोस्तों यहाँ पर दिखाने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन बहुत समय लग जाएगा, इसीलिए हम लोग आपको वही चीज़ दिखा रहे हैं जो सबसे ज़्यादा, सबसे सुनहरा हो और सबसे प्राकृतिक देखने के लिए हो, देखने लायक हो। तो इधर देखिए आप, ये देखिए, ये सब पूरा मूर्ति, यहाँ जितनी भी उनका लीला था, आप देख सकते हैं सती अनुसुईया माता जी। तो इधर देखिए आप, और आप ये ना समझिएगा कि हम लोग चित्रकूट में हैं और चित्रकूट के सती अनुसुईया में हैं। ये सती अनुसुईया नेपाल में लगता है, और इंडिया और नेपाल का ये बॉर्डर है। ये दूसरा सती अनुसुईया है, इस जगह का नाम है रामकोला, रामकोला नाम से जाना जाता है। तो इधर देख सकते हैं आप, और तो अब चलते हैं और जगह पर, और जगह की दृश्य आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों, अब चलते हैं हम लोग ऊपर, ऊपर देखते हैं किस तरह से नज़ारा है, और कम एंड लेट्स वॉच इट, किस तरह से नज़ारा है आप लोगों को दिखाते हैं। यहाँ तो बहुत अंधेरा है, आप देख सकते हैं, ये देखिए इधर का नज़ारा आप देख सकते हैं। ये स्वामी विवेकानंद जी, महर्षि अरविंद जी, और ये देखिए स्वामी राम तीर्थ, सुभाष चंद्र, देख सकते हैं इधर का नज़ारा। देखिए ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनत जी और संत शिरोमणि जी, बहुत से लोग यहाँ पर, बहुत से लोगों का यहाँ पर प्रतिमा आप देख सकते हैं, किस तरह से लोगों का दिखने में किस तरह से लगते थे। तो यहाँ पर पूरी प्रतिमा बनाई गई है संतों का, ऋषियों का, मुनियों का, किस तरह के मुनि थे, किस तरह के संत थे, और उनका क्या नाम था, किस तरह से दिखते थे, आप ये देख सकते हैं। देखिए भक्त सूरदास जी, उनका प्रतिमा देख सकते हैं आप, और देखते रहिए किस तरह का
ये जगह है, इंडिया और नेपाल का बॉर्डर है ये, और नेपाल भी हिंदू कंट्री है और इंडिया भी हिंदू कंट्री है, तो वहाँ पर ये बात जायज़ है कि हिंदू देवी देवता तो रहेंगे ही, देख सकते हैं। और ये देखिए श्रवण कुमार का प्रतिमा, श्रवण कुमार का प्रतिमा है ना, तो देख सकते हैं दर्शकों आप, इधर देखिए ये श्रवण कुमार का प्रतिमा है, जिस तरह से उनकी किस तरह से माता पिता को ले जाते थे दर्शन कराने के लिए चारों धाम, ये देखिए प्रतिमा उनकी बनाई गई है। अब हम लोग चलेंगे ऊपर, किस तरह का नज़ारा है ऊपर, चलो देखते हैं। सीढ़ियों से चढ़कर जाना होगा क्योंकि यहाँ पर लिफ्ट नहीं है, भगवान का दर्शन करने के लिए कुछ तो मेहनत करना ही होगा। ये देखो भव्य सीन और सुंदर सीन, सुंदर दृश्य, ये देखिए आप, और आप चलते रहिए हमारे साथ और देखते रहिए। हम लोग पहले ही परमिशन ले लेंगे, तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये दृश्य और इतना खूबसूरती से इसको सजाया गया है, बनाया गया है, जिस तरह से वो लोग दिखते थे, जिस तरह से वो लोग रहते थे, पूरा ध्यान दिया गया है। देखिए ये देखते रहिए। और हाँ, आपको कहेंगे कि यदि आप गोरखपुर या आप नेपाल जा रहे हैं तो आप इधर एक बार आइए और इधर का दृश्य देखिए किस तरह से दिखता है ये दृश्य, और यहाँ पर आइए दर्शन करिए, और जो भी आपके मन में हो, सवाल हो, जो भी आपका कार्य ना हो रहा हो, भगवान से मनाइए, शायद पूरा हो जाए, क्योंकि ये भारत है, भारत में ये सब मान्यता रहता है कि कोई भगवान का यदि मानता है और उसकी मान मनौती करता है तो ज़रूर ही, अगर उसके अंदर श्रद्धा है तो पूरा ज़रूर होता है। तो चलिए चलते हैं, इससे ऊपर भी है तो ऊपर चलते हैं, ऊपर देखते हैं ऊपर का नज़ारा किस तरह से है। इधर भी देख सकते हैं आप ये प्रतिमा किस तरह की है, ये देखिए दर्शकों, ये देखिए इधर से भी देखिए, और ये रहा घंटा इसको, ओ माय गॉड, इसमें तो वही नहीं है। तो चलिए चलते हैं ऊपर, नज़ारा देखते हैं किस तरह से है, और हमारे साथ हैं हमारे भाई सत्यम जसवाल ऑल इन वन से। हेलो दोस्तों, देख सकते हैं बाबा सबसे खूबसूरत और सबसे अच्छा नज़ारा, और सबसे ऊपर आपको आना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा तब जाकर आपको दर्शन मिलेगा, क्योंकि भगवान का दर्शन इतना आसानी से पाना आसान बात नहीं होता। अगर आप भगवान का दर्शन थोड़ा मेहनत करके पाएंगे तो वो आपके लिए लाभवान्वित होगा। तो आप इधर देखिए, ये देखिए, देखते रहिए किस तरह से बनाया गया है, कितना खूबसूरती से बनाया गया है, ये आप देखते रहिए। भगवान की पूरी दिनचर्या कैसे होती थी, क्या घटनाएं हुई थी उस समय, और भगवान के साथ किस तरह का घटना होता था, ये आप देख सकते हैं। शिव जी हैं शायद, वो माँ गौरा जी को, जब वो सती, माँ सती को वो उठाकर
ठाकर तांडव लीला कर रहे हैं, तो आप उसमें देख सकते हैं शायद बोर्ड में यही कुछ लिखा है। वो सॉरी फोकस अगर ना कर रहा हो तो आप पढ़ सकते हैं इस समय। तो अब हम लोग सबसे ऊपर आ चुके हैं जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, और ये इधर से देखिए इधर का नज़ारा किस तरह का है, और आप ये देख सकते हैं शिवाजी महाराज का प्रतिमा बना है और महाराणा प्रताप जी हैं, वो महाराणा प्रताप जी का वो बना है प्रतिमा, देख सकते हैं आप। फोकस अगर ना कर रहा हो कैमरा, आई होप फोकस कर रहा है, तो ये देख सकते हैं आप। तो चलिए एक बार घूम लेते हैं। इधर का बाहरी ग्राउंड का एक तो दर्शकों अब चलते हैं नीचे और एक बाबा जी रहते हैं उनसे मिलेंगे, क्या कहते हैं बाबा जी, क्या बताते हैं यहाँ के बारे में, तो चलिए चलते हैं मिलते हैं बाबा जी से। तो दर्शकों देख सकते हैं कि हम लोग जो मंदिर के सबसे बड़े संत हैं पुजारी हैं उनके शिविर के जस्ट सामने खड़े हुए हैं, और देख सकते हैं अखंड धूना और इनका ये जो भी है नाम है। तो चलिए चलते हैं पूछते हैं यहाँ के बारे में कि यहाँ की मान्यता क्या है, क्या इतिहास है यहाँ का। तो दर्शकों जैसा कि हम आपको बता दें, हम लोग पहले आपसे बोले थे कि यहाँ के जो सबसे बड़े पुजारी हैं जो सबसे बड़े संत हैं उनसे मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, यहाँ के इतिहास के बारे में पूछते हैं, यहाँ की मान्यता के बारे में पूछते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि अब ये हम लोग करने में थोड़ा असफल हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पर जो सबसे बड़े पुजारी रहते थे, जो सबसे बड़े संत रहते थे, वो फ़िलहाल अभी भी कुंभ मेले में हैं, क्योंकि कुंभ मेला अभी चार तक रहेगा। इसलिए जब तक वहाँ रहेंगे वो लोग तो यहाँ के बारे में नहीं बताया जा सकता, हम लोग अपने से कैसे बता सकते हैं। इन्होंने बताया कि हम यहाँ पर जो है सबसे बड़े नहीं हैं, जो जानते हैं यहाँ के बारे में वो नहीं हैं, मेले में गए हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहीं पर वो लोग रहते हैं, मेले के बाद मेला ख़त्म होगा तो तुरंत वो लोग आ जाएंगे।